यस, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं सभी लोग एंड क्या आप सबको मेरी आवाज आ रही है? दोस्तों जल्दी से बताइए, एम आई ऑडिबल और नॉट? यस ओके, कौन कौन आ गया बेटा देखते हैं। तो क्रिश, श्रुति, शेख, अर्पित, काजल, विशाल, अर्पित, ज्योति, अमीशा, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग गाइस, हर्ष, वंशित, संयम, ओमकार, आयुषी, यस 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 यस, संगम, धारवी, भावना, जमीर, सिद्धार्थ, राहुल, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग गाइस। यार जल्दी से इस सेशन की लिंक एक बार हर जगह पे शेयर कर दो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके, ठीक है? चलिए, तो दोस्तों हम जो है अभी पढ़ रहे थे FM का चैप्टर नंबर 1, May 2022 CA इंटर एग्जाम्स के लिए, राइट? चलो, सो जो लोग मुझे नहीं जानते उनको बता दो कि आई एम मुनीश वोरा, आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। दोस्तों मैं आप सबको CA इंटरमीडिएट का फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस पढ़ाता हूँ। अनअकैडमी ऐप जो है दोस्तों, आप हमारा अनअकैडमी ऐप जो है गूगल प्ले स्टोर ऐप स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको हमारे फ्री क्लासेस जो कि स्पेशल क्लासेस होते हैं ये आप देख सकते हैं। बट अगर आप हमसे फुल कोर्स स्ट्रक्चर्ड वे में, प्लान्ड मैनर में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको हमारा अनअकैडमी का प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। दोनों में सेम क्लासेस मिलती है, प्लस में PDF नोट्स मिलते हैं, एंड आइकॉनिक में प्लस के साथ साथ एडिशनल बेनिफिट्स आइकॉनिक में आपको मिलते हैं, जैसे पर्सनल कोच, प्रिंटेड नोट्स एक्सेट्रा। यहाँ पे जो है दोस्तों आपको हमारे अभी दो बैचेस चल रही हैं CA इंटर की, एक है हमारी मिशन सक्सेस बैच एंड एक है दोस्तों हमारी लक्ष्य बैच। तो ये बैचेस आप ज्वाइन कर सकते हैं क्या सब्सक्रिप्शन लेके। तो आप अनअकैडमी प्लस आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन MB सर कोड यूज करके अगर लेंगे तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिल जाता है। चलिए, सो आ जाओ बेटा जल्दी से। हमने जो है कल कहाँ तक पढ़ लिया था? सर वही सर जो KZPG पे KZPG देते हो। यस क्रिश, यस। चलो यार, तुमने लिंक हर जगह शेयर नहीं किया, लिंक थोड़ा ठोक दो यार बेटा हर जगह पे, ताकि क्या है बताओ लोग हमारे साथ जुड़ सके। ठीक है, चलिए ठीक है बेटा, देखेंगे, आइए। यस, सो क्या है इसका बताओ जल्दी से। चलो ओके, तो चलो देखेंगे बेटा। FM चैप्टर 1, हमने सबसे पहले इसमें हमारे फर्स्ट लेक्चर में क्या देखा था? हमने सबसे पहले इसके फर्स्ट लेक्चर में जो बेटा हमने देखा था क्या? हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट की क्या देखी थी बेटा? डेफिनेशन देखी थी सबसे पहले, राइट? देन मैंने आपको बताया था व्हाट आर दी थ्री मेजर फाइनेंशियल डिसीजंस, एंड हमने इसको पूरा लिंक करके बताया था हमारे सारे चैप्टर्स के साथ। देन उसके बाद हमने आपको अदर डेफिनेशंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट बताया था। मैंने आपको बोला था कि ये आपका क्या है, ये आपका RTP टॉपिक है, याद आ रही बात है? मैंने क्या बोला था, ये आपका क्या है, ये आपका RTP टॉपिक है, रीड इफ टाइम परमिट्स। इस पे जनरली सवाल आज तक आया नहीं है। देन मैंने आपको बताया था क्या एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ऐसा आया तो प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, इसके बारे में डिटेल में चर्चा की थी कल। ये टेबल आपको मैंने समझाया था कि रिस्क एंड कंट्रोल, सॉरी रिस्क एंड कॉस्ट के बेसिस पे क्या क्या कंपेयर करके बताया था डेट इक्विटी प्रेफरेंस को मैंने। आगे देन आपको समझाया था कि हमारा डेट में जो इंटरेस्ट हमें देना पड़ता है वो एक टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस होता है। अगर मैं इंटरेस्ट से टैक्स सेविंग अगर निकालना चाहूं तो कैसा आएगा? इंटरेस्ट इंटू टैक्स रेट अगर करूंगा तो मुझे टैक्स सेविंग ड्यू टू इंटरेस्ट मिल जाता है। आगे नेक्स्ट बात बेटा देखेंगे, यहाँ पे हमने प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स में आपको पढ़ाया था कि क्या हम चाहे इक्विटी से पैसा रेस कर सकते हैं, डिबेंचर से कर सकते हैं, बैंक से पैसा ले सकते हैं, या तो फिर इंटरनेशनल फंडिंग कर सकते हैं। यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स में मैंने बताया था कि आप फिक्स एसेट्स के लिए पैसा यूटिलाइज करेंगे या तो वर्किंग कैपिटल के लिए करेंगे। नेक्स्ट देन हम आगे थे बेटा एवोल्यूशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मैंने बोला बहुत ही ताजा ताजा सवाल है बेटा, क्यों? क्योंकि हमारे December 21 एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, राइट? रेगुलर सेशन है, यस शुभम जी रेगुलर ही है, ठीक है। क्या बताया था? एवोल्यूशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है बेटा, क्या बताइए, हमारे December 21 एग्जाम्स में ये चीज आई थी, है ना? तो इसमें तीन फेजेस है, ट्रेडिशनल फेज, ट्रांजिशनल फेज एंड मॉडर्न फेज, है ना? ट्रेडिशनल फेज, ट्रांजिशनल फेज, मॉडर्न फेज। देन
देन मैंने आपको बेटा क्या बताया था, फाइनेंस फंक्शंस एंड क्या फाइनेंस फंक्शंस को हम क्या फाइनेंस डिसीजंस बोल सकते हैं। तो रादर इसका मैंने आपको टॉपिक समझाने के लिए पहले ये बोला कि फंक्शन का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जो आपको क्या बताता है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच का बंधन बताता है। तो मैंने बोला वैल्यू ऑफ फर्म इज अ फंक्शन ऑफ द फाइनेंसिंग इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड डिसीजन। जितने ज्यादा अच्छे आप डिसीजन लेंगे आपके ये वाले, उतना आपके कंपनी का परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा एंड उतना ज्यादा आपका वैल्यू ऑफ फर्म होगा, राइट। देन मैंने बोला था कि अगर बेटा आपको ऐसा सवाल आए कि व्हाट आर दी टू एस्पेक्ट्स ऑफ क्या बताइए, ऑफ फाइनेंस डिसीजंस, अगर ऐसा पूछे सवाल तो फिर आपको ये आंसर देना चाहिए जो नीचे दिया हुआ है, या तो आपको टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग डिसीजन भी ऐसे सवाल में पूछ सकते हैं। तो हमने बोला क्या बताइए, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग डिसीजन या शॉर्ट टर्म फाइनेंस डिसीजन। लॉन्ग टर्म में क्या आता है, लॉन्ग टर्म में आता है फाइनेंसिंग इन्वेस्टमेंट डिविडेंड, एंड शॉर्ट टर्म में क्या आता है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट डिसीजन। देन मैंने आपको बताया था व्हाट इज द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग एंड डिविडेंड डिसीजन। मैंने बोला ये तीनों डिसीजन का अंडरलाइंग ऑब्जेक्टिव क्या है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ। तो तीनों इसलिए इंटर रिलेटेड है, हमको इन तीनों डिसीजन का जॉइंट इंपैक्ट देखना चाहिए हमारे किस पे बताइए, हमारे मार्केट प्राइस पर, शेयर पे जॉइंट इंपैक्ट देखना चाहिए। आगे जब भी कोई नए प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करना रहता है तो ये क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इसके लिए पैसा लगेगा तो फाइनेंसिंग डिसीजन आ गया इसमें। और पैसा कहां से लाऊं, मैं इंटरनल सोर्सेस से पैसा ला सकता हूं या बाहर से ला सकता हूं। इंटरनल सोर्सेस से पैसा लाना मतलब क्या, रिटेन्ड अर्निंग्स को यूज करना, तो इसमें डिविडेंड डिसीजन आ जाता है। मतलब ये तीनों डिसीजन इंटर रिलेटेड है, इन तीनों का हमें जॉइंट इंपैक्ट देखना पड़ता है हमारे कंपनी के वैल्यू पे। देन हमने लास्ट सेकेंड लास्ट कल पढ़ा था बेटा इंपॉर्टेंस ऑफ गुड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कि हमें फिक्स एसेट्स में ओवर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, कैश आउटफ्लो कैश इनफ्लो को बैलेंस करना चाहिए, क्या बताइए, एडिक्वेट शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल हमारे पास होना चाहिए, सेल्स रेवेन्यू टारगेट हमें सेट करना चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट को इंक्रीज करना चाहिए, देन एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस को कम करना चाहिए, कॉस्ट एफिशिएंट तरीके निकालने चाहिए बिजनेस करने के, एंड टैक्स प्लानिंग करनी चाहिए जिससे हमारे टैक्सेस मिनिमाइज हो सके। देन मैंने आपको बताया था बेटा स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये कल के दिन का लास्ट टॉपिक था, स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एक बार क्विकली इसको भी देख लेंगे, क्या था, सबसे पहले साइज डिटरमिन करो एंटरप्राइज की एंड उसका ग्रोथ रेट को समझो। देन हम ये देखेंगे कि हमें कौन से एसेट्स चाहिए इस बिजनेस को चलाने के लिए, उन एसेट्स को खरीदने के लिए पैसा कहां से लेके आए, कितना डेट कितना इक्विटी, कैपिटल स्ट्रक्चर की बातें, एंड देन एनालिसिस प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ फाइनेंशियल अफेयर्स। तो ये था आपका स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो हमने पांच मिनट के अंदर जितने भी चीजें अभी तक देखी थी उसे एक क्विक ओवरव्यू हमने ले लिया है उन चीजों का। चलिए क्या अब हम आगे बढ़ सकते हैं, यस चलो क्या हम अब आगे बढ़ सकते हैं। ओके सर यूट्यूब पे सारा कवर होगा क्या, तो शुभम गर्ग जी यूट्यूब पे सारा नहीं होता है कवर, यूट्यूब पे क्या होगा अभी बताइए, पहले FM का आपका चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 6 एंड 10, ये आपके चैप्टर्स जो है FM के आएंगे YouTube पे। चैप्टर 1, 3 और 6 ऑलरेडी मैंने डिटेल में हमारे प्लस पे करवा दिया है, कुछ बच्चे लेट ज्वाइन हुए थे उनके लिए करवा रहा, एंड चैप्टर 2 एंड 10 तो मैं YouTube पे ही करवाने वाला था वैसे भी, है ना। तो ये चीज आपको मिल जाएंगी डिटेल में मिल जाएगी, ठीक है चलो आ जाओ। तो अभी डेली 5:30 बजे हमारे सेशन होंगे, तो आपको आना है, जबरदस्त में पढ़ना है मेरे साथ। आगे नेक्स्ट बेटा आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट क्या आपका बताइए, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये आता है सवाल, देखो कब कब आया है, नवंबर 18 के एग्जाम में आया है और अक्टूबर 21 के मॉक टेस्ट पेपर में आया है ये वाला सवाल कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो यहां पे पहला ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, दूसरा ऑब्जेक्टिव है बेटा वेल्थ या वैल्यू मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मतलब क्या, हम बोलते हैं दिस इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कंपनी, इट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव टू अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट मिलेगा तो ही भैया कंपनी चलाएंगे, नहीं तो भैया बंद कर देंगे। दस द ऑब्जेक्टिव ऑफ FM इज क्या, ऑल्सो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। क्या बोलते हैं कि किसी भी कंपनी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है,
प्रॉफिट कमाना, इसलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट का भी एक ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। सिंपल इतना ही लिखना है। और वेल्थ या वैल्यू मैक्सिमाइजेशन का मतलब क्या है कि हमारे शेयर होल्डर्स की वैल्यू मैक्सिमाइज होनी चाहिए, मतलब हमारे शेयर की मार्केट वैल्यू अगर मैक्सिमाइज होगी तो शेयर होल्डर की वेल्थ अपने आप मैक्सिमाइज होगी। बोलता है शेयर होल्डर्स वेल्थ इज द रिजल्ट ऑफ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कंसिडरिंग टाइमिंग एंड रिस्क। तो अब बेटा यहाँ पे और एक फॉर्मूला आपको वेल्थ का दिया है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट। तो इस चीज को हमें यहाँ पे लिखना है कि वेल्थ का यहाँ पे और एक क्या दिया है हमें, फॉर्मूला दिया गया है क्या, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू बेनिफिट्स माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट। इसका और एक बेटा दिया है, एक बार देखेंगे इसका ना, और एक फॉर्मूला दिया है, रुकेंगे। इसका और एक फॉर्मूला क्या है, वैल्यू ऑफ इक्विटी क्या है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं क्या इसका, ठीक है, इसका वैल्यू ऐसे भी आप चाहे तो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या समझना, अब इसका मतलब क्या समझना, मैंने आपको ये तो ऑलरेडी बता दिया था, नंबर ऑफ शेयर इंटू मार्केट प्राइस पर शेयर। अब यहाँ पे जब हम दोनों की वैल्यू अगर ले ले, इक्विटी डेट दोनों की ले ले, तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि कंपनी की टोटालिटी में वैल्यू, देखो ये क्या है, वैल्यू ऑफ कंपनी मैंने लिखा है, वैल्यू ऑफ कंपनी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट। अगर मैं बोलूं सिर्फ शेयर होल्डर का वेल्थ, मैं अगर सिर्फ बोलूं सिर्फ शेयर होल्डर का वेल्थ, तो फिर वो ये चीज हो जाएंगी नंबर ऑफ शेयर इंटू एमपीएस, ये सिर्फ शेयर होल्डर का वेल्थ होगा। पर कंपनी के वैल्यू बोला तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट है ना। तो ये जो फॉर्मूला है ना बेटा, ये वाला फॉर्मूला हम एफएम चैप्टर 5 में यूज करने वाले हैं काफी बार। एफएम चैप्टर 5 में ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ठीक है, तो उसके बारे में चर्चा हम एफएम चैप्टर 5 में करेंगे। और ये वाला क्या है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट, हमारी फर्म जो है फ्यूचर में कितने कितना प्रॉफिट कमाने वाली है, उन सब का प्रेजेंट वैल्यू आज निकाल लो, या कितने कैश इनफ्लोज आने वाले हैं फ्यूचर में उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालो, माइनस कर दो फ्यूचर के जितने खर्चे हैं उन सब का प्रेजेंट वैल्यू निकाल के माइनस कर दो, तो हमें हमारी कंपनी की आज की वैल्यू मिल जाती है, खत्म, एकदम चिल्टू बात है। ठीक है, बस इतना ही याद रखना, टेंशन ज्यादा लेना नहीं है। चलो इधर आ जाओ, तो यहाँ पे वापस से देखेंगे, हमें यहाँ पे क्या लिखना है बेटा बताओ, हमें यहाँ पे क्या लिखना है, हमें यहाँ पे लिखना है कि क्या ऑब्जेक्ट वेल्थ या वैल्यू मैक्सिमाइजेशन मतलब क्या, ऑब्जेक्टिव टू मैक्सिमाइज द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स। तो शेयर होल्डर्स वेल्थ इज द रिजल्ट ऑफ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कंसिडरिंग टाइमिंग एंड रिस्क। वेल्थ इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट, यही वाला बेटा लिखेंगे एग्जाम में। इसके नीचे यहाँ पे जितना मैंने लिखा है ना, इतना ही एग्जाम में लिखना है 2 मार्क के लिए, चेक करेंगे बेटा, आ जाओ। तो हमारे थ्योरी बुक में आ जाएंगे, और थ्योरी बुक में आपको मैं चेक करके बता रहा हूँ कि देखो यहाँ पे भी मैंने वही चीज फॉलो की है। उठे गिला रे बाबा, ये देखो 2 मार्क के लिए आता है क्वेश्चन, जितना मैंने वहां लिखा था उतना ही यहाँ पे लिखना है, 2 मार्क के लिए सवाल आए तो इतना ही लिखने की जरूरत, बस 2 मार्क के लिए सवाल आएगा तो इतना ही लिखने की जरूरत है। ठीक है, क्या बात समझ मारी, क्या बोल रहा हूँ, ओके है ना। तो नवंबर 18 का एग्जाम का क्वेश्चन है, ओके चलो आज तो इतना ही लिखना है 2 मार्क के लिए। अब अगर उसके साथ और कुछ पूछा है, जैसे जनरली बेटा या तो सिर्फ इतना पूछेंगे व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एफएम, या इसके साथ आपको पूछेंगे ऑल्सो एक्सप्लेन वाई वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव इज सुपीरियर टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव। तो अब बोलता है कि भैया देखो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो ऑब्जेक्टिव है ना, ये सुपीरियर है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से, ज्यादा बेहतर ऑब्जेक्टिव है, इसका रीजन क्या है। तो इसका रीजन तो वैसे यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, बट ये समझाने के पहले जो है मैं आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की कुछ कमियां बताना चाहता हूँ, मैं आपको पहले प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव की कुछ कमियां बताना चाहता हूँ। तो आपको क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि व्हाई प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैन नॉट बी द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कंपनी,
हम कभी भी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को सिर्फ उसी पे फोकस नहीं कर सकते, क्योंकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो ये भी आरटीपी में दो बार आया हुआ है। तो क्या प्रॉब्लम है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव में, वो पढ़ना है। पहला पॉइंट बेटा इसमें आता है कि द टर्म प्रॉफिट इज वेग। ये एक वेग टर्म है। वेग मतलब क्या बताओ? एम्बिगुअस। वेग मतलब क्या बताइए? एम्बिगुअस टर्म है। मतलब क्या मुझे बताओ बेटा। मैंने बोला कि मेरे कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है भैया, बोलो। मैंने बोला मेरे कंपनी का ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। मैं जब बेटा शब्द बोल रहा हूं, प्रॉफिट, तो मुझे बताइए इस प्रॉफिट का मतलब क्या है। मैंने जब बोला प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, तो इस प्रॉफिट का मतलब क्या है आप बताओ। यस कम ऑन, प्रॉफिट का मतलब क्या है बताइए फास्ट। आपके हिसाब से प्रॉफिट का मतलब क्या है, बोलिए। यस, आपके हिसाब से। मैंने जब बोला प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, तो प्रॉफिट मतलब क्या आप बताओ जल्दी से, बोलो ना। हाँ मुनाफा। अरे पर आप समझे नहीं बेटा। हाँ प्रॉफिट मतलब क्या बोल रहे हैं? एक बोल रहा है सर अर्निंग्स ऑफ द कंपनी। तो बेटा आपने जब अर्निंग बोला तो अर्निंग्स में क्या आता है? हाँ आपने बोला अर्निंग्स, तो अर्निंग्स में तो बेटा ईबीआईटी भी आता है, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आता है। इसमें अर्निंग्स बिफोर टैक्स भी आता है, इसमें अर्निंग्स आफ्टर टैक्स भी आता है। आप समझ रहे हैं, है ना। हाँ यहाँ पे तबरेज बोल रहा है सर प्रॉफिट मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और बोलो जल्दी से। हाँ यहाँ पे बच्चे बोल रहे सर मतलब क्या रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। पर बेटा कितने एक्सपेंस माइनस करूं सर? नेट इनकम आफ्टर और एक्सपेंस, सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट, ये है सर प्रॉफिट, है ना। मैंने बोला बेटा प्रॉफिट मतलब क्या, मैं मे बी रेट की बात कर रहा हूँ, रेट ऑफ प्रॉफिट। मैंने बोला मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मतलब क्या, मैं परसेंटेज प्रॉफिट का रेट बढ़ाना चाहता हूँ। ऐसा भी हो सकता है, मैं ऐसा हो सकता है कि मैं ग्रॉस प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, ऐसा हो सकता है कि मैं नेट प्रॉफिट की बात कर रहा हूं। क्या आपको फील आ रहा है कि जब मैं सिर्फ प्रॉफिट शब्द बोलता हूं तो इसका मतलब लोगों के दिमाग में कितना सारा आ सकता है? ये एक एम्बिगुअस टर्म है प्रॉफिट। सिर्फ मैंने प्रॉफिट जब बोला तो हमें यह समझ में नहीं आता कि प्रॉफिट का एग्जैक्ट मतलब क्या बोल रहे हो तुम, समझा। यही पहला पॉइंट है इट डज नॉट क्लैरिफाई वॉट एग्जैक्टली इट मीन्स। क्या फील आ रही है आपको बात क्या बोल रहा हूं मैं, क्या आपको फील आ रहा है? इट डज नॉट क्लैरिफाई वॉट एग्जैक्टली इट मीन्स, इट कन्वेज अ डिफरेंट मीनिंग टू डिफरेंट पीपल। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मतलब। कुछ लोग बोलेंगे प्रॉफिट, हम शॉर्ट टर्म प्रॉफिट की बात कर रहे थे। कोई दूसरा बोलेगा अरे मुझे तो लगा तुम लॉन्ग टर्म प्रॉफिट की बात कर रहे हो। किसी को लगेगा कि तुम टोटल प्रॉफिट की बात कर रहे थे अमाउंट वाइज में। कोई बोलेगा अच्छा तुम टोटल प्रॉफिट की बात कर रहे थे क्या, मुझे लगा कि तुम रेट ऑफ प्रॉफिट की बात कर रहे हो। मतलब हम जब सिर्फ प्रॉफिट शब्द बोलते हैं तो ये एक एम्बिगुअस टर्म है, ये एक वेग टर्म है। इसलिए मैंने ऐसा बोला कि मेरे कंपनी का, मेरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, तो प्रॉफिट शब्द वेग है, इसका मतलब ये। नेक्स्ट, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हैज टू बी अटेम्प्टेड विथ रियलाइजेशन ऑफ रिस्क इन्वॉल्व। तो आपको भैया रिस्क को भी क्या करना चाहिए, कंसिडर करना चाहिए। बहुत बार क्या होता है बेटा इसके चक्कर में बताओ, बहुत बार ज्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में हम रिस्क वाले फैक्टर को कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है राजा, समझना ध्यान से। अगर किसी ने बोला कि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हमारा ऑब्जेक्टिव है, बस यही हमारा ऑब्जेक्टिव है और कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो मैंने बोला अच्छा अगर आपके सामने, मैंने बोला प्रोजेक्ट ए, अगर आपने प्रोजेक्ट ए को चूज किया तो आप प्रोजेक्ट ए से 5 सालों में, समझो 5 सालों में आप प्रोजेक्ट ए से 50,000 रुपये कमा सकते हैं। और दूसरा प्रोजेक्ट है बेटा प्रोजेक्ट बी, इसमें आप 5 सालों में समझ लो 80,000 रुपये कमा सकते हैं। बट प्रोजेक्ट ए में वेरी वेरी लेस रिस्क है। मतलब लेस रिस्क है मतलब क्या, इसकी सर्टेनिटी ज्यादा है।
कि हमने 50,000 बोला ना, तो 50,000 कमाने की सर्टेंटी बहुत ज्यादा है, पर प्रोजेक्ट बी में बेटा बहुत ज्यादा रिस्क है। अगर रिस्क ज्यादा है मतलब क्या, मतलब अगर कमाया तो 80,000 और नहीं कमाया तो लॉसेस भी हो सकते, मतलब यहां पे पैसे कमाने की सर्टेंटी बहुत कम है। अब जो व्यक्ति है ना, अब बेटा जो व्यक्ति बोलेगा कि मेरा तो भैया ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मेरा तो ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, तो वो क्या बोलेंगे, ठीक है एक काम करो, पैसा ज्यादा कहाँ मिल रहा, कहाँ ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, बी में, तो बी को टिक कर दो। अरे पर भैया तुम रिस्क को तो कंसिडर ही नहीं कर रहे, अरे प्रोजेक्ट बी में रिस्क कितना ज्यादा है, प्रोजेक्ट ए में रिस्क कम है। तो अगर सिर्फ प्रॉफिट 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 सोचोगे तो तुम रिस्क को इग्नोर कर देते हो, तुम बस ये देखोगे अमाउंट कहाँ ज्यादा मिल रहा, अरे अमाउंट जहां ज्यादा मिल रहा पर रिस्क भी तो ज्यादा है, तुम इसको क्यों इग्नोर कर रहे हो। तो वही चीज वहां पे लिखी है, देखो क्या लिखा है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हैज टू बी अटेम्प्टेड विद रियलाइजेशन ऑफ रिस्क इन्वॉल्व, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन रिस्क एंड प्रॉफिट। ये तो हम बचपन से पढ़ते हैं, हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट, ये बचपन में पढ़ रहे हैं ना, पर बचपन से हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट, इफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज द ओनली गोल देन द रिस्क फैक्टर विल बी इग्नोर्ड। बोलता अगर तुम सिर्फ प्रॉफिट पे फोकस करोगे मतलब तुम रिस्क को इग्नोर कर दोगे, जो कि गलत बात है, रिस्क को इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसे भी आपको कंसिडर करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे यहाँ पे, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एज एन ऑब्जेक्टिव डज नॉट टेक इन टू अकाउंट द टाइम पैटर्न ऑफ रिटर्न्स। टाइम पैटर्न ऑफ क्या बताइए, रिटर्न्स। बोलते हैं प्रपोजल ए, बेटा देखो यार अभी ऐसे शब्द पढ़ के ना कुछ बच्चों को कुछ चीजें याद आ जाती है, बेटा ये प्रोजेक्ट की बात चल रही है, कोई प्रोजेक्ट की बात चल रही है यार, तुम देखो भटकना नहीं है बेटा बात से। हाँ तो क्या बोल रहा था मैं, प्रपोजल ए जी, तो प्रपोजल ए क्या होता है, इट मे गिव अ हायर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, ऐसा आपको लग सकता है, आपको ऐसा लग सकता है कि प्रपोजल ए में प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा एज कंपेयर टू प्रपोजल बी, ठीक है, येट इफ द रिटर्न ऑफ प्रपोजल ए बिगिन टू फ्लो से 10 years लेटर, प्रपोजल बी मे बी प्रेफर्ड बिकॉज इट हैज अ लोअर ऑल ऑफ प्रॉफिट बट रिटर्न फ्लो मोर अर्ली एंड क्विक। मतलब ये ऐसा बोलना चाह रहे हैं, आप समझ रहे बेटा बात को, आप देखो एग्जाम्पल समझिए आप, ठीक है, मैं जो हूं आप क्या बताना चाहते, समझिए बात को, बहुत बहुत डीप कॉन्सेप्ट है बेटा, बहुत डीप कॉन्सेप्ट है। मैंने बोला यार कि देखो दो दो प्रपोजल्स है हमारे सामने, ठीक है, हमको ऐसा लग रहा बेटा प्रपोजल ए में, अरे भाई साहब ये तो खतरनाक है, इसका प्रॉफिट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट है इसमें कंपैरेटिवली प्रॉफिट कम है, लेकिन प्रोजेक्ट ए वाला क्या बोलता है कि देखो, प्रोजेक्ट ए वाला क्या बोलता है बताओ, प्रोजेक्ट ए वाला बोलता है कि हम तुमको ये प्रॉफिट 10 साल बाद देंगे। अरे 10 साल तक रुकेंगे तो बाल वाइट हो जाएंगे भैया, जल्दी जल्दी निपटाओ, कि ये बोलता है ठीक है हम तुमको 3 साल में ही रिटर्न दे देंगे। तो यहाँ पे रिटर्न कमाने में 10 साल लग रहे हैं, यहाँ पे है ज्यादा रिटर्न लेकिन कमाने में 10 साल लग रहे हैं, यहाँ पे रिटर्न कम है लेकिन क्या 3 साल में पैसा मिल रहा है। तो वैसे तो है ना, वैसे तो बेटा क्या बताइए, वैसे तो प्रोजेक्ट बी ज्यादा अच्छा है, क्यों, क्योंकि जल्दी रिटर्न मिल रहा है ना, पर प्रोजेक्ट ए क्या है, ज्यादा रिटर्न मिलने में कितना वेट करना पड़ रहा है, पर हाँ बट जो है बेटा, सुनेंगे बात ध्यान से, बट जो है बेटा लोग क्या करेंगे, लोग क्या करेंगे, लोग ऐसा सोचेंगे कि यार प्रॉफिट ज्यादा कहाँ मिल रहा है ए में, तो ए को चुनो। अरे पर बेटा तुम्हारा टाइम भी तो देखो ना, टाइम कितना ज्यादा लग रहा है ना, तो सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के चक्कर में तुम ऐसे प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर लोगे जिसमें बहुत ज्यादा समय बाद अगर पैसा मिले तो भी चलता, बस पैसा ज्यादा होना। अरे पर पैसा कितनी देर बाद आएगा वो देखो ना, तो टाइम को भी कंसिडर करना चाहिए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाले लोग टाइम को कंसिडर नहीं करते। तो इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द टाइम पैटर्न ऑफ रिटर्न्स। क्या आपको बातें समझ में आ गई, बताओ क्या आपको बातें समझ में आ गई, मैं क्या बोल रहा हूं है ना, जल्दी बताएंगे फास्ट। देखो मैं बेटा देखो मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं, मैंने कुछ भी नहीं बोला, तो फालतू बातें मत करो आप, ठीक है आ गए, चलो नेक्स्ट, अगला देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज टू नैरो।
मतलब क्या है? बताओ जल्दी से, है ना? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है तो चिल्टुड़ी भी आ गई बेटा, चिल्टुड़ी भी आई यहाँ पे, प्रिया केडिया भी आई है, क्या बात है ना। हाँ नेक्स्ट देखो सर, हम मैम को गिफ्ट भेजेंगे आपके। अच्छा चलो बेटा, बच्चे बोले सर आप इतना हंस क्यों रहे हो? बेटा बेटा मेरा हसमुख चेहरा है यार, मैं हमेशा हंसते खिलते रहता हूँ यार, ये मतलब इस मेरा नेचर ही ऐसा है, मैं क्या करूँ अभी। ठीक है चलो छोड़ो बेटा, वापस आते हैं। ठीक है हाँ हाँ आ जाओ हर्ष, आ जाओ, आ जाओ हर्ष। ठीक है परसों से आना, परसों से, ट्यूसडे से नया चैप्टर आ रहा है। चलो वापस आएंगे बेटा आप सब, आप देखो डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, अभी ध्यान दो बेटा इधर क्लास में ध्यान दो। क्या है नेक्स्ट? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एज एन ऑब्जेक्टिव इज टू नैरो, वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब क्या? अपन बोलते हैं ना कि अरे यार इसकी सोच ही बहुत नैरो है, ब्रॉड थिंकिंग होनी चाहिए। वैसे यहाँ पे क्या प्रॉब्लम, क्या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के साथ? इसकी बहुत ही नैरो थिंकिंग है, बहुत ही नैरो थिंकिंग है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मतलब क्या? सिर्फ प्रॉफिट बढ़ाओ, सिर्फ प्रॉफिट बढ़ाओ। अरे पर एक बिजनेस में सिर्फ प्रॉफिट कमाना ही सब कुछ है क्या? अरे तुम्हारे इतने सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, तुमको ये भी देखना चाहिए कि क्या तुम्हारे एम्प्लॉयज तुम्हारे यहाँ काम करके खुश है कि नहीं, क्या तुम्हारे कंज्यूमर्स को तुम्हारा प्रोडक्ट सही में अच्छा लग रहा है या नहीं, क्या तुम सही में तुम्हारे कंज्यूमर्स के लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन कर रहे हो तुम्हारे प्रोडक्ट या सर्विस से, क्या तुम सोसाइटी के लिए सारी अच्छी चीजें कर रहे हो, क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हो तुम सोसाइटी को या नहीं, क्या तुम एथिकल वे से ट्रेड प्रैक्टिस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ये चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अगर ये चीजें आप नहीं करोगे तो आपकी कंपनी लंबे समय तक नहीं चल सकती। सिर्फ प्रॉफिट 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 नहीं होता है, तो प्रॉफिट इज अ वेरी शॉर्ट साइटेड पॉलिसी, ये बहुत ही नैरो पॉलिसी है, इसमें हम बाकी फैक्टर्स को इग्नोर कर देते हैं। समझा गया? बोलो ना। हाँ तो अभी क्या है इसका, मैंने इसको देखो यहाँ पे हमने पट से लिखा है, क्या इसको समरी में लिखा है, क्या बताओ फास्ट कि क्या द टर्म प्रॉफिट इज वेग, अलग अलग लोगों को अलग अलग मतलब लगता है प्रॉफिट का। नेक्स्ट हमें जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में रिस्क को भी कंसिडर करना चाहिए, पर जनरली हम नहीं करते हैं ना, क्योंकि क्या हायर द प्रॉफिट हायर द रिस्क, तो ज्यादा प्रॉफिट के चक्कर में रिस्क ज्यादा मत लेना बिजनेस में। नेक्स्ट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द टाइम पैटर्न ऑफ रिटर्न्स, एंड चौथा क्या था बेटा बताइए? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव इज टू नैरो, है ना, इट इग्नोर्स सोशल कंसिडरेशंस, एंड क्या इसके लिए और दूसरा शब्द क्या था बताओ, इसके लिए दूसरा शब्द क्या था बेटा बोलो, इट इज अ शॉर्ट साइटेड पॉलिसी। क्या बात समझ में आई क्या? बोलो ना प्लीज, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ जल्दी से। बात समझ में आ गई क्या? यस और नो? यस और नो बोलो ना। चलो यहाँ पे बच्चे ना अपने अलग अलग ही चल रहा है, ओए ध्यान दो इधर क्लास में। बेटा देखो मैं आपको पता नहीं है मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, ठीक है आप देखो, है ना, फिर मैं डांट देता हूँ सबको। ठीक है चलो इधर आओ, वापस देखो इधर, चलो चलो ध्यान दो क्लास में, ध्यान दो, चलो ठीक है आगे। ओके सर ओके, हम ध्यान देते हैं, वेरी गुड। यार तुम हंस रहे हो, अरे हंस रहे हो यार तुम, यार क्या 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 लोग यार तुम, खतरनाक हंस रहे हो तुम यार यहाँ पे। चलो आओ आगे। हाँ चलो आगे देखेंगे नेक्स्ट। ठीक है तो अब हमने क्या पढ़ लिया, हमने क्या पढ़ा वापस सुनो ना, मैंने क्या पढ़ा आपको, मैंने पढ़ा कि ये दो ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एंड मैंने बोला कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव में क्या कमियां हैं। तो हमको ऐसा सवाल आता है, देखना थ्योरी बुक में बता रहा हूँ कैसा सवाल आता है अपने को, अपने को आता है बेटा सवाल ये वाला कि व्हाई कैंट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैन बी द सोल ऑब्जेक्टिव। ये देखो ये आता है बेटा कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आपका सोल ऑब्जेक्टिव क्यों नहीं हो सकता, समझ रहे हो? ये सवाल आता है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला सवाल भी मैंने आपको करवा दिया है। ठीक है ठीक है ओके ठीक है हाँ चलो ओके, बात समझ में आ गई? हाँ सर बात समझ में आ गई है। चलो बेटा ये वंशित गोयल और राघव गोयल ये भाई भाई है क्या? वंशित गोयल और राघव गोयल क्या भाई भाई है क्या? चलो आ जाओ ठीक है। चल नेक्स्ट
ठीक है आ जाएंगे फोकस। तो ये हो गया। अब आपको ऐसा सवाल भी आता है बेटा कि हमारा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्यों सुपीरियर है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से, ये भी सवाल आता है। कैसा सवाल आता है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन सुपीरियर क्यों है आपके इससे? देखो ये देखो ये देखो ये सवाल देखो, मस्त पैकी सवाल है बेटा। मार्च 2019 के मॉक टेस्ट पेपर में आया था कि हाउ द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव इज सुपीरियर टू द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव, ये आता है बेटा। बहुत जबरदस्त सवाल, ठीक है। नहीं सर ऐसा नहीं है, ठीक है नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा। बचपन में तो मुझे ये भी लगता था, बचपन में तो मुझे ये भी लगता था कि शिल्पा शेट्टी और सुनील शेट्टी भाई बहन है, पर बाद में पता चला ऐसा नहीं है। तो सेम सरनेम होने से हमेशा भाई बहन नहीं होते हैं, कोई बात नहीं चलो आगे। तो यहाँ पे क्या बोला है, पहले आपको यहाँ पे लिखना है कि क्या, पहले आपको लिखना है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट हैज टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। फिर आपको लिखना है कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन या वैल्यू मैक्सिमाइजेशन इज सुपीरियर टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस, और ये रीजन आपको लिखने, चार रीजन है बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, याद रखना है। तो आज मैं आपको इसको हैंड रिटन नोट से पढ़वा रहा हूँ। चलिए, बोलता है वैल्यू मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव जो है इट कंसिडर्स ऑल फ्यूचर कैश फ्लोज, डिविडेंड्स एंड ईपीएस एंड रिस्क। अब समझो इस बात को, जब मैं बेटा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मेथड की बात कर रहा था, मैं तो सिर्फ प्रॉफिट को देख रहा था और कुछ भी नहीं देखा। पर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के लिए क्या करना है आपको, वैल्यू निकालने के लिए फ्यूचर में आपकी कंपनी फ्यूचर में जो प्रोजेक्ट्स अंडरटेक करने वाली है उस प्रोजेक्ट से क्या क्या उन्हें फायदा होगा, उस प्रोजेक्ट से क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, हम सबका प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, और फ्यूचर में जो जो खर्चे होने वाले हैं उन सबका प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। यस और नो बोलो जल्दी जल्दी, है ना, ऐसा करते हैं। मतलब हम क्या करते हैं वैल्यू मैक्सिमाइजेशन में, इसमें सारे फ्यूचर के कैश फ्लोज, सारे फ्यूचर में डिविडेंड्स, ईपीएस, रिस्क सब कंसिडर करते हैं, लेकिन हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में इन चीजों को कंसिडर नहीं करते। इसलिए वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एक ज्यादा सुपीरियर क्या है ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट, अ कंपनी दैट विशेस टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ मे पे रेगुलर डिविडेंड। ये बहुत जबरदस्त सवाल पॉइंट है। क्या होता है कि देखो देखो क्या है कि अगर आप आपके कंपनी में रेगुलर बेसिस पे, अगर आप आपके कंपनी में बेटा राजा मेरे दोस्त, अगर आप अपने कंपनी में रेगुलर बेसिस पे क्या करेंगे, ये भाई साहब फाउंडेशन के आगे तो नोट्स। हाँ, अगर आप आपके कंपनी में बेटा रेगुलर बेसिस पे अगर डिविडेंड देंगे ना, तो शेयर होल्डर को बहुत मजा आता है। अरे वाह वाह वाह, शेयर लिया, हर हर साल कुछ ना कुछ पैसा मिलते जा रहा हूँ, अच्छा लगता अंदर से, समझ रहे बात को। लेकिन अगर आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है ना, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है ना ऑब्जेक्टिव, तो आप क्या सोचेंगे हमेशा कि समझो आपको 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो आप बोलेंगे अरे डिविडेंड छोड़ो, अरे शेयर होल्डर वालों डिविडेंड छोड़ो, अरे ये पूरे पैसे को रिटेन करते हैं, अगले साल और प्रॉफिट कमाएंगे, फिर अगले साल और प्रॉफिट कमाया, अरे डिविडेंड छोड़ो और री इन्वेस्ट करके और पैसा कमाते हैं। मतलब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाली हरकतें क्या करते हैं लोग, बोले डिविडेंड छोड़ो, जो पैसा आया ना सब रिटेन करो और क्या करो, और बिजनेस करो और प्रॉफिट करो, बस उसी में पूरे लगे रहते हैं। पर जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन वाली कंपनी होती है वो ऐसा बिलीव करती है कि रेगुलर डिविडेंड अगर दिया ना तो शेयर होल्डर को और अच्छा लगता है ना। तो इससे क्या होता है बताइए, कंपनी का और ज्यादा जो ना मार्केट में उनका नाम और अच्छा होता है ना। तो देखिए, अ कंपनी दैट विशेस टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ मे पे रेगुलर डिविडेंड, है ना, मे पे लिखा बेटा, हमेशा देंगे ऐसा जरूरी नहीं है, जनरली ऐसा होता है। वेयर एज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव में रिफ्रेन रिफ्रेन है ना, मतलब दूर भागती है, रिफ्रेन फ्रॉम डिविडेंड पेमेंट्स। समझा करे, बोलो ना जल्दी से। तीसरा पॉइंट देखेंगे नेक्स्ट बेटा, तीसरा पॉइंट, शेयर होल्डर्स प्रेफर इंक्रीज इन फर्म्स वेल्थ अगेंस्ट इंक्रीजिंग प्रॉफिट्स। तो क्या बोलते हैं शेयर होल्डर को, बोलते हैं कि देखो देखो इस बात को समझो, इस बात को समझो बेटा, कभी भी इस बात को समझना, आपकी कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कमा रही कि नहीं वो छोड़ो, आपकी कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कमा रही कि नहीं वो छोड़ो, हमारे कंपनी की वेल्थ बस बढ़नी चाहिए।
बेटा आजकल का जमाना क्या है, आजकल का जमाना क्या है, लोग क्या करते हैं, जैसे शार्क टैंक जैसी कंपनीज में, जैसे शार्क टैंक जैसी कंपनी सॉरी शोज में क्या करते हैं, वहां पे ना ये 5 लोगों के सामने, इन्वेस्टर के सामने कोई नया बिजनेस वो आता है, कौन आता है, एक न्यू एंटरप्रेन्योर आता है, अपना स्टार्टअप को लेके आता है एंटरप्रेन्योर, ये बोलता है, ये व्यक्ति बोलता है कि देखो हमारा इस टाइप का बिजनेस है, आप हमें कुछ पैसा दीजिए हमारे कंपनी में, तो बोलते हैं हम आपसे 1 लाख रुपए मांगना चाहते हैं 10% की इक्विटी के बदले। इसका मतलब क्या है बेटा कि ये स्टार्टअप वाला क्या बोल रहा है, ये स्टार्टअप वाला ये एंटरप्रेन्योर क्या बोल रहा है कि अगर आपने हमारे कंपनी में 1 लाख रुपए दिए तो हम आपको 10% की हिस्सेदारी देंगे कंपनी में, क्या फील आ रहा है, इक्विटी स्टेक देंगे। तो इस ये इन्वेस्टर देखना हमेशा ऐसा अपने बुक में ना कुछ करते रहता हूं, तो वो यही सारे कैलकुलेशंस करते रहता है कि कंपनी की वैल्यू कितनी है। तो मुझे बताइए बेटा इसके हिसाब से वैल्यू ऑफ कंपनी क्या हुई, या इसे हम बोलते हैं बिजनेस वैल्यूएशन, ऐसा लिख के आता उसमें शार्क टैंक एपिसोड में देखना, नीचे लिख के आता है बिजनेस वैल्यूएशन। अगर बेटा कंपनी का 10% 1 लाख रुपए का है तो कंपनी का 100% कितने रुपए का होगा, क्या फील आ रहा है, अगर कंपनी का 1% सॉरी 10% कंपनी 1 लाख रुपए की है तो 100% कंपनी कितने की होंगी, तो बोलेंगे 1 लाख अपॉन 10% कितना आता है बताओ फास्ट जल्दी से, कितना आता है बोलो, तो यह आता है 10 लाख रुपीज, क्या फील आ रहा है आपको, मतलब कि इस व्यक्ति ने अपने कंपनी की वैल्यूएशन 10 लाख रुपए बोली है, और 10 लाख के वैल्यूएशन के हिसाब से ये इन्वेस्टर 10% खरीदने के लिए 1 लाख रुपए दे रहा है। अब क्या करेगा ये इन्वेस्टर, इस हमारे एंटरप्रेन्योर के साथ काम करेगा, उसके प्रोडक्ट को और इंप्रूव करेगा, है ना, मार्जिन को बढ़ाएगा, अगर प्रॉफिट ना भी बढ़े जितना ज्यादा हमारा क्या होगा बताइए, हमारा प्रोडक्ट जितना ज्यादा फैलता है, जितने ज्यादा यूजर्स बढ़ते हैं उतना ज्यादा कंपनी की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती है। आप देखिए बेटा आजकल जोमैटो हो गया, पेटीएम हो गया, जोमैटो पेटीएम ये सारी जितनी भी कंपनीज है बेटा, अमेजोन फ्लिपकार्ट, ये इनको लॉसेस काफी ज्यादा लॉसेस होते हैं, फिर भी आज अगर इन कंपनीज की अगर आप वैल्यू देखेंगे ना तो वैल्यू वाइज इस कंपनी की बहुत ज्यादा वैल्यू है। तो वैल्यूएशन कंपनी की बढ़ते कैसे, जब आपके नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ते हैं, जब आपका रीच बढ़ता है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, तो भले ही प्रॉफिट ज्यादा ना हो पर आपकी वैल्यू बढ़ती है। अगर आपकी वैल्यू समझ लो कंपनी की 50 लाख रुपए हो गई 2 सालों में, मतलब क्या, जो चीज आपने 1 लाख की खरीदी थी 10% पे 2 साल पहले, वही कंपनी की वैल्यू 50 लाख होगी, अब आपके 10% की वैल्यू क्या हो जाएंगी 5 लाख रुपए, समझ में आ रहा है, 2 साल में 5 गुना रिटर्न हो गया तुम्हारा। तो वही चीज आप लिखा है क्या कि जनरली शेयर होल्डर्स प्रेफर इंक्रीज इन फर्म्स वेल्थ अगेंस्ट इंक्रीजिंग प्रॉफिट्स। तो ये शार्क टैंक देखेंगे ना और मजा आएगा आपको, आपको शार्क टैंक देखोगे ना आप और ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। चलो ये चीज ना बेटा मैं उस दिन, हाँ नहीं नहीं बेटा इंद्र आईजी सर का कॉल था, है ना, ये चीज ना बेटा मैं उस दिन ना ये चीज ना मेरी मम्मी को सिखा रहा था क्या, ये वैल्यूएशन निकालना, कि जब मैंने मम्मी को बहुत मजा आया ये देखने में, पर उनको ना ये टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आती, तो मैंने बोला मम्मी जब भी समझो, उसने बोला कि मुझे 50 लाख रुपए चाहिए 2% के लिए, इसका मतलब क्या है कि कंपनी की वैल्यू कितनी है, तो 50 लाख अपॉन 2% करना है तो कंपनी की वैल्यू पता चलेगी, ठीक है। तो ऐसा आप भी अपने मम्मी पापा को समझाना अगर आपको पसंद है शार्क टैंक। तो चलो आगे नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट क्या है, मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर कंसिडर्स द शेयर होल्डर्स एक्सपेक्टेड रिटर्न लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट टाइमिंग रिस्क एंड फ्यूचर कैश फ्लोस वेयर एज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन डज नॉट कंसिडर, है ना। मैंने बोला बेटा कि एक कंपनी की शेयर प्राइस कैसे बढ़ती है, तो ये सारे एस्पेक्ट्स को देखने के बाद इंप्रूव होती है ना, कि शेयर होल्डर कितना एक रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा है, कंपनी के लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स कैसे हैं, मतलब क्या फ्यूचर में उनका कैसा, क्या बताइए लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स है, फ्यूचर में कैसे प्रोजेक्ट्स होने वाले हैं, क्या इनका बिजनेस फ्यूचर में और ग्रो करेगा, तो आज से ही शेयर की प्राइस बढ़ना चालू हो जाती है। टाइमिंग ऑफ रिटर्न्स, रिस्क ऑफ रिटर्न्स, हम सारी चीजें कंसिडर करते हैं मार्केट प्राइस निकालते वक्त, लेकिन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में ये सारी चीजें कंसिडर नहीं होती। यस यहाँ पे ये भी बात खत्म होती है, बताइए क्या आप सबको बात समझ में, बताइए फास्ट जल्दी से। यस
क्या बात आपको समझ में आ गई? यस नो बताइए फास्ट, यस नो। हाँ जल्दी से, ठीक है। क्या बात समझ में आ रहा है, क्या बोल रहा हूँ? यस नो। चलो आगे नेक्स्ट। तो क्या है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्यों सुपीरियर है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से, बताएंगे फास्ट बेटा जल्दी से। बोलता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या करता है, सारे फ्यूचर कैश फ्लोज डिविडेंड्स को ईपीएस एंड रिस्क को कंसीडर करता है। हम कंपनी क्या करती है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन वाली रेगुलर डिविडेंड पे करती है लेकिन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाली नहीं करती। शेयर होल्डर्स जनरली इंक्रीज इन वेल्थ को ज्यादा प्रेफर करते हैं देन इंक्रीज इन प्रॉफिट, एंड मार्केट प्राइस जो है इट कंसिडर्स शेयर होल्डर्स एक्सपेक्टेड रिटर्न्स, लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट, टाइमिंग, रिस्क, लेकिन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव ये चीजें कंसिडर नहीं करता। ये क्वेश्चन एमटीपी मार्च 19 में बेटा आया था, ठीक है। अगर कोई बंदा यहाँ पे आईसीएस स्टडी मेटल से पढ़ रहा होगा बेटा, हम उसी सीक्वेंस में सारी चीजें पढ़ रहे हैं। अब बेटा और एक सवाल बेटा इसमें आता है, आपके थियोरी में और एक सवाल आता है। यहाँ पे एक सवाल बेटा आता है जो कि सरप्राइजिंग सवाल था, आज तक आया नहीं था और एकदम से एग्जाम में पूछा गया, जो आज तक आया नहीं था और एकदम से एग्जाम में पूछा गया था बेटा, वो था ये वाला सवाल। जुलाई 21 के एग्जाम में ये सवाल आया। देखो इसके पहले कभी पूछा नहीं है कहीं पे भी, ना मॉक टेस्ट पेपर, ना आरटीपी, ना एमटीपी। बुक में है, स्टडी मटेरियल में लिखा है ये पॉइंट, पर क्वेश्चन नहीं पूछा था। क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द स्टेप्स टू बी फॉलोड बाय द मैनेजर टू मेजर एंड मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ, कि क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए हमें वेल्थ को मैक्सिमाइज करने के लिए। तो तीन स्टेप्स है। पहला बोलता है कैश फ्लो अप्रोच यूज करो, अकाउंटिंग प्रॉफिट अप्रोच यूज मत करो। मतलब क्या बेटा, अकाउंटिंग प्रॉफिट मतलब क्या, हमको जो इस साल में या हमको जो पिछले सॉरी पिछले साल में जितना सेल हुआ, एक्सपेंसेस हुआ, सिर्फ उसको कंसिडर करो। ये हो गया अकाउंटिंग प्रॉफिट का अप्रोच। फ्यूचर में क्या क्या मिल सकता वो छोड़ो, बस पिछले साल का चेक करो, अकाउंटिंग प्रॉफिट अप्रोच। कैश फ्लो अप्रोच मतलब क्या भैया, फ्यूचर में क्या क्या बेनिफिट आने वाले हैं, माइनस फ्यूचर के क्या क्या कॉस्ट हैं, उन सबको कंसिडर करो। तो कौन सा बेहतर है, कैश फ्लो अप्रोच ज्यादा ज्यादा बेहतर डिसीजन देता है। तो बोलता है वेल्थ मैक्सिमाइज करना है तो कैश फ्लो अप्रोच फॉलो करो, अकाउंटिंग प्रॉफिट अप्रोच फॉलो नहीं करना। बोलता है हर चीज में कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करो, मतलब यही चीज बोला उसने कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना चाहिए। अगर वही वाले प्रोजेक्ट्स को चुनना चाहिए आपको जिसमें आपके बेनिफिट्स आपके कॉस्ट से ज्यादा हो, राइट। नेक्स्ट, एन एप्लीकेशन ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, है ना। हम क्या करते हैं, हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव में टाइमिंग ऑफ रिटर्न्स को इग्नोर कर रहे थे लेकिन टाइमिंग ऑफ रिटर्न्स को कंसिडर करना चाहिए। अगर किसी प्रोजेक्ट में मुझे 2 साल बाद 50,000 रुपये मिल रहे हैं, या एक प्रोजेक्ट में मुझे बेटा समझो एक प्रोजेक्ट में 10 साल बाद मुझे 70,000 रुपये मिल रहे हैं, कौन सा लेना चाहिए मुझे बेटा? इसका प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा आएगा, इसका प्रेजेंट वैल्यू बहुत ज्यादा कम आएगा, समझ में आ रहा है। तो अगर मैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करूंगा तो ज्यादा अच्छी डिसीजंस ले पाऊंगा। ये बात समझ में आ रही है, यस और नो जल्दी से बताएंगे बेटा। यो गाइज कम ऑन, क्या बात समझ में आ रही है आप सब? ठीक है, तो क्या बोला कि अपने शेयर होल्डर्स वेल्थ को मैक्सिमाइज करने के लिए मैनेजर को क्या करना चाहिए, कैश फ्लो अप्रोच यूज करो, अकाउंटिंग प्रॉफिट नहीं, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करो एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी को क्या करो, यूज करो अपने डिसीजंस में, ठीक है। ये सवाल आता है, ठीक है बेटा आ जाओ इधर वापस। तो ये भी हमारा बात हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट बेटा, इसमें ना ये आपके बुक में दिया है, इस पर कोई भी सवाल आता नहीं, तो इस पर इसको आपको टाइम पास करने की जरूरत नहीं है। बस यहाँ पे दिया गया है कि क्या बताइए कि कैसे आता है। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ फर्म क्या है, बोलता है मार्केट प्राइस ऑफ अ कंपनीज कॉमन स्टॉक विच रिप्रेजेंट द फोकल जजमेंट ऑफ ऑल मार्केट पार्टिसिपेंट्स एट व्हाट द वैल्यू ऑफ द पर्टिकुलर फर्म इज। बोलता है किसी भी कंपनी के शेयर प्राइस कैसे बढ़ता है, तो बोलता है कि कंपनी जो मार्केट में पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको क्या लगता है कंपनी कैसा परफॉर्म करने वाली है, फ्यूचर में क्या लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स हैं, उसके हिसाब से उस शेयर की डिमांड एंड सप्लाई चेंजेस होते हैं जिससे उसके प्राइस अफेक्ट होती है। एकदम चिल्टू बातें हैं, आगे वहां पे कोई काम की बात है नहीं, इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो
तो मैंने आपको ये भी बता दिया व्हाई प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैन नॉट बी द सोल ऑब्जेक्टिव, ये हमारी बात ऑलरेडी हो चुकी है। मैंने आपको ये भी बता दिया स्टेप्स टू बी फॉलोड बाय मैनेजर टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ, ठीक है। तो हमारा बेटा, हमारा जो है यहाँ पे 80% जो है ना खत्म हो चुका है चैप्टर, ठीक है। अब जो है ना बेटा कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो ऐसे टॉपिक्स हैं, मतलब अगर देखो मैं आपको थियरी बुक में लेके चलूँ, ठीक है। देखो टोटल जो है बेटा क्या है, टोटल जो है आपके 10 सवाल आज तक आए हैं, 10 टाइप्स के सवाल बेटा आए हैं कहाँ पे बताइए, हमारे इसमें बताइए, इस पहले चैप्टर से, ठीक है। जितने भी आरटीबी एमटीबी बोलो ना, 10 टाइप के सवाल ही आए हैं। अब अपन इसमें से चेक करते हैं हमने कितने सवाल कर लिए हैं, एक बार क्विकली इस चीज को चेक करके देखते हैं, ठीक है। चलो तो यहाँ पे देखेंगे हमने फर्स्ट सवाल, पहला सवाल देखेंगे, ये हमारा करना बचा है तो इसको मैं ऐसा मार्क कर लेता हूँ कि ये बचा है हमारा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखेंगे, क्या हमने ये देख लिया, क्या फाइनेंस फंक्शन क्या होता है ये हमने देख लिया है, एक हो गया हमारा। नेक्स्ट ये भी हमने इंटर रिलेशनशिप देख लिया, देन नेक्स्ट फंक्शन ऑफ फाइनेंस मैनेजर ये हमारा बचा हुआ है, ऑब्जेक्टिव्स हमने देख लिए, देन ये भी हमने देख लिया कि वैल्यू मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव क्यों सुपीरियर है, राइट। देन हमने ये भी देख लिया क्या इंपॉर्टेंस ऑफ गुड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कल ही देखा था ये, राइट, ये भी देख लिया। नेक्स्ट क्या है, लिस्ट आउट द स्टेप्स टू बी फॉलोड बाय मैनेजर टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ, ये भी हमने देख लिया है, राइट। देन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सोल ऑब्जेक्टिव क्यों नहीं है, ये भी हमने देख लिया है। बचा क्या, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा बचा है, देन क्वेश्चन नंबर 10 बचा है, क्वेश्चन नंबर 4 बचा है और क्वेश्चन नंबर 1 बचा है, मतलब टोटल 10 क्वेश्चन में से हमारे 7 क्वेश्चन डन डना डन हो चुके हैं। अब हमारे और भी काफी सारे टॉपिक्स हैं लेकिन इसमें से सिर्फ 3 टॉपिक्स पे सवाल आए हैं, ठीक है। तो अभी थोड़ा क्विकली उन चीजों को कवर कर लेंगे, जिस पे सवाल आया है उस पे मैं रुक जाऊंगा, ठीक है। चलो तो जैसे आपको ये एक टॉपिक दिया है बुक में, सम अदर गोल्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज, इस पे आज तक सवाल आया नहीं है, आने की संभावना है, इसे एक बार रीड कर लेंगे बस बाद में, है ना, कि और क्या क्या गोल्स होते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के। तो बोलता है देखो अचीविंग अ हायर ग्रोथ रेट, हम हमेशा चाहेंगे कि कंपनी का ग्रोथ रेट ज्यादा रहे, है ना। अटेनिंग अ लार्जर मार्केट शेयर, अभी फिलहाल मार्केट में हमारा सिर्फ 20% शेयर है, मतलब पूरे मार्केट में सिर्फ 20% कस्टमर मेरे पास आते हैं, तो मैं चाहूंगा कि मेरा मार्केट शेयर और बढ़े। गेनिंग लीडरशिप इन द मार्केट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी, प्रमोटिंग एम्प्लॉय वेलफेयर, एम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए हम और ज्यादा स्कीम्स लेके आए, एम्प्लॉयज को हमारे कंपनी में रह के मजा आना चाहिए, काम करना पसंद आना चाहिए। इंक्रीजिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन, इतने अच्छे प्रोडक्ट्स, क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाओ, लो प्राइसेस में बेचो, आफ्टर सेल सर्विस जबरदस्त दो, जिससे कस्टमर का सेटिस्फैक्शन इंक्रीज होगा। एंड इंप्रूविंग द कम्युनिटी लाइफ, सपोर्टिंग एजुकेशन रिसर्च एंड सॉल्विंग सोसाइटल प्रॉब्लम्स, मतलब क्या है ये सारा आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी लिखी है। तो ये क्या है बेटा, एक जनरल ऐसा सवाल है, व्हाट आर द अदर गोल्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज, हाई ग्रोथ रेट, लार्जर मार्केट शेयर, है ना, हाई ग्रोथ रेट, लार्जर मार्केट शेयर, गेनिंग लीडरशिप, एम्प्लॉय वेलफेयर, कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बस और कुछ भी आपका यहाँ पे काम का नहीं, ठीक है। चल आगे नेक्स्ट, देन बोलते हैं यहाँ पे, हाँ इस पे भी बेटा कोई सवाल आता नहीं, क्या है कॉन्फ्लिक्ट्स इन प्रॉफिट वर्सेस वैल्यू मैक्सिमाइजेशन प्रिंसिपल, कि दोनों में बहुत बार क्या होता है कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, जैसे आपके मन में बेटा कॉन्फ्लिक्ट होता है कि यार ये भी अच्छा है ये भी अच्छा है, ऐसा कॉन्फ्लिक्ट होता है ना आपके मन में, समझ रहे हो, ये भी अच्छा है ये भी अच्छा है, करूं तो करूं क्या, समझ रहे हैं। अब अगर इसको हाँ बोल दिया तो इसको बुरा लग जाएगा, समझ रहे हो बेटा, मैं कोर्स की बात कर रहा हूँ, है ना, मैं कोर्स की बात कर, कि सीए कोर्स भी अच्छा है सीएस कोर्स भी अच्छा है, अगर सीए को हाँ बोल दिया तो सीएस को बुरा लग जाएगा, दोनों ही अच्छे कोर्स हैं लेकिन बहुत बार कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, तुम गलत समझते हो ना मेरी बात है, ठीक है, ठीक है। चलो आगे आगे देखेंगे नेक्स्ट, ठीक है यार तुम हंसते, तुम हंसते क्यों मुझे समझ में नहीं आता यार, चलो आगे बोलता है, इन अ कंपनी द मैनेजमेंट इज द डिसीजन टेकिंग अथॉरिटी, एज अ नॉर्मल टेंडेंसी मैनेजमेंट में परसू इट्स ओन पर्सनल गोल्स, तो
हमेशा मैनेजमेंट क्या चाहेगा कि वैसे तो मैनेजमेंट सिर्फ क्या है, डिसीजन टेकिंग अथॉरिटी है। मैनेजमेंट को रखा किसने है, ओनर्स नहीं रखा है, शेयर होल्डर्स नहीं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बना रखा है वहां पे। हमारे कंपनी में ओनर्स क्या बोलते हैं कि यार हम लोग ना रोज आके हमारे कंपनी को संभाल नहीं सकते, इसलिए हमको क्या चाहिए, कोई व्यक्ति चाहिए जो हमारे बिजनेस को क्या चला सके डे टू डे बेसिस पे। इसलिए हम क्या करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं। तो कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं बेटा, क्या करते हैं वो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं। ये सुनो, और डे टू डे डिसीजंस जो है वो कौन लेता है बताओ, आपका डे टू डे डिसीजंस बेटा कौन लेता है, बोलो ना फास्ट। डे टू डे डिसीजंस जो है बेटा वो कौन लेता है, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेते हैं। समझ में आ रही बात है क्या बोल रहा हूँ, राइट? तो यहाँ पे आ जाएंगे, बट इन दी ऑर्गेनाइजेशन वेर देर इज सिग्निफिकेंट आउटसाइड पार्टिसिपेशन, शेयर होल्डिंग, लेंडर्स एक्सेट्रा, द मैनेजमेंट मे नॉट बी एबल टू एक्सक्लूसिवली परस्यू इट्स पर्सनल गोल्स ड्यू टू कॉन्स्टेंट सुपरविजन ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स। हमारा मैनेजमेंट क्या चाहेगा, शेयर होल्डर क्या चाहेगा, शेयर होल्डर चाहेगा कि यार हमारे वेल्थ मैक्सिमाइज होनी चाहिए, ये शेयर होल्डर्स चाहेंगे। और ये लोग क्या चाहेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वाले, कि यार अगर प्रॉफिट बढ़ा ना, अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा तो हमारा ही सैलरी, अगर प्रॉफिट बढ़ेगा ना तो हमारा ही सैलरी बढ़ेगा, हमको ही ज्यादा बोनस मिलेगा। क्या फील आ रहा है, हमको ही ज्यादा पर्क्स मिलेंगे, परक्विजिट्स मिलेंगे, क्या फील आ रही बात है क्या बोलना चाह रहा हूं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहेंगे कि ये चीज हो, शेयर होल्डर्स चाहेंगे कि ये चीज हो, क्या फील आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। तो ऐसा कॉन्फ्लिक्ट होता है, ये चीज बोल रहा है, बोलता है एवरी एंटिटी एसोसिएटेड विद द कंपनी विल इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस फ्रॉम इट्स फुलफिलमेंट ऑफ ओन ऑब्जेक्टिव, है ना। तो बोलते हैं देखो यार, एक कंपनी के बहुत ज्यादा स्टेक होल्डर्स होते हैं। आपको याद रहे बेटा स्टेक होल्डर्स शब्द, स्टेक होल्डर्स आपको मैंने शब्द समझाया था। स्टेक होल्डर मतलब क्या, एनी पर्सन हैविंग क्या इंटरेस्ट इन द बिजनेस, ये होता है स्टेक। स्टेक का मतलब ही बेटा होता है इंटरेस्ट, ऐसा व्यक्ति जिसको आपके बिजनेस में क्या है बताओ, इंटरेस्ट। इसे क्या बोलते हैं बेटा बताओ, इसे बोलते हैं स्टेक होल्डर। इसे क्या बोलते हैं बताओ, स्टेक होल्डर। मतलब कौन, जैसे कस्टमर को आपके कंपनी में क्या है बताओ, इंटरेस्ट है, क्योंकि उसको आपके कंपनी से अच्छे प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं, आफ्टर से सर्विस मिलेगी। आपके सप्लायर्स को आपके कंपनी में इंटरेस्ट है, क्योंकि आपके सप्लायर्स ने आपको प्रोडक्ट क्या किए हैं, उधार पे बेचे हो सकते हैं, तो उसको आपसे वसूली करना है पैसों की। तो अगर कंपनी अच्छी चलेगी तो ही पैसा वापस मिलेगा। गवर्नमेंट को आपके कंपनी में इंटरेस्ट है, क्योंकि इनको आपसे टैक्स वसूलना है। इन्वेस्टर्स को आपके कंपनी में इंटरेस्ट है, क्योंकि इनको रिटर्न मिलेगा आपकी कंपनी से। हमारे शेयर होल्डर्स को आपके कंपनी में इंटरेस्ट है ऑब्वियसली, क्योंकि ये खुद ओनर है कंपनी के। तो क्या बताइए, स्टेक होल्डर्स, हर एक स्टेक होल्डर क्या बोलेगा, कस्टमर क्या बोलेगा, कस्टमर बोलेगा देख अगर मेरा जो ऑब्जेक्टिव था तूने वो अगर पूरा करके दिया, कस्टमर को अगर अच्छा प्रोडक्ट मिला, अगर कस्टमर को अच्छा प्रोडक्ट मिला, अच्छा आफ्टर सेल सर्विस मिला, तो ये बोलेंगे अरे वाह क्या जबरदस्त कंपनी है यार, क्या जबरदस्त मैनेजमेंट है कंपनी का। सप्लायर को अगर टाइमली पेमेंट मिलेगा तो बोलेंगे अरे वाह मेरा तो भैया पेमेंट टाइमली हो रहा है, बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट है कंपनी का। गवर्नमेंट को टैक्स बराबर अगर मिलेगा तो गवर्नमेंट क्या बोलेगा, कोई इसको नोटिस भेजने की जरूरत नहीं, बहुत अच्छा मैनेजमेंट है कंपनी का। मतलब क्या बोल रहा है, द परफॉर्मेंस ऑफ द मैनेजमेंट, है ना। देखो क्या लिखा है, एवरी एंटिटी एसोसिएटेड विद द कंपनी विल इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ द मैनेजमेंट फ्रॉम द फुलफिलमेंट ऑफ इट्स ओन ऑब्जेक्टिव। द सर्वाइवल ऑफ मैनेजमेंट विल बी थ्रेटन्ड इफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी ऑफ द एंटिटी रिमेन्स अनफुलफिल्ड। अगर इसमें से किसी की भी ऑब्जेक्टिव को आपने पूरा नहीं किया, समझो तुमने इन्वेस्टर्स को उनको जितना रिटर्न चाहिए था तुमने नहीं दिया, तो इन्वेस्टर धीरे धीरे क्या करेंगे, तुम्हारे कंपनी से पैसा निकाल देंगे, बोलेंगे छोड़ो कंपनी अच्छी नहीं है, और मैनेजमेंट पे सब डाल देंगे, ठीक है। तो बोलते हैं द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव इज जनरली इन अकॉर्ड विद द इंटरेस्ट ऑफ द वेरियस ग्रुप्स। जब मैं बेटा इस बात को हमेशा याद रखना, अगर मैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव रखता हूं ना कंपनी का, तो इसमें क्या होता है, इसमें मेजरली सबके ऑब्जेक्टिव्स कवर हो जाते हैं। अगर कंपनी की वैल्यू बेटा कब बढ़ेगी, जब वो कंपनी हर एक चीज में अच्छी होगी तभी उस कंपनी की वैल्यू बढ़ सकती है। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज इन अकॉर्डेंस विद द इंटरेस्ट ऑफ वेरियस ग्रुप्स,
इट इज कंसिस्टेंट विद द मैनेजमेंट ऑफ क्या ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वाइवल। मतलब क्या, मैनेजमेंट भी अगर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पे फोकस करेगा तो खुद भी लंबे समय तक सर्वाइव कर पाएगा कंपनी में। तो द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज द बेटर ऑब्जेक्टिव। तो कुछ नहीं चिल्टू बातें हैं, इस पर अभी तक कोई सवाल आया नहीं है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे, ये अभी तक आया नहीं है पर आ सकता है, ये अभी तक आया नहीं है पर आ सकता है। क्या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ठीक है बेटा, बस 5 मिनट में सेशन को खत्म कर देंगे। ठीक है, हमारे नेक्स्ट सेशन में जो ना अपन ये फाइनेंशियल डिस्ट्रेस वाला एक मेजर पॉइंट बचेगा हमारा, और ये एजेंसी कॉस्ट। बस मतलब नेक्स्ट सेशन जो है ना, मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, हमारा 30-40 मिनट्स का होगा बेटा हमारा नेक्स्ट सेशन। ठीक है, नेक्स्ट एक और सेशन लेना पड़ेगा। अगर बेटा देखो आप टोटल में देखेंगे ना, टोटल में तो मेरे 2 सेशन हो गए हैं। पहला 60 मिनट्स का था लगभग, रादर 60 मिनट 50 मिनट्स का था। कल का सेशन मेरा अराउंड जो है 90 मिनट्स का था, आज का 60 मिनट्स का है, तो कितना हो गया बताइए, ये 200 मिनट्स। और मैं बोल रहा हूँ इसमें और हमको क्या बताइए 40 मिनट्स पकड़ लीजिए, मतलब टोटल 240 मिनट्स में पूरा चैप्टर खत्म हो गया, मतलब 4 आवर्स। अब बेटा क्या होता है कि अनअकैडमी में हम चूंकि एक एक घंटे के सेशन लेते हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ लेक्चर ज्यादा लगते हैं यूट्यूब पे। अरे बाप रे, इस टीचर ने 4 लेक्चर में पढ़ाया, अरे इसने तो एक ही लेक्चर में पढ़ाया। पर बेटा अगर किसी का लेक्चर 3.5 घंटे का है, एक लेक्चर ही 3.5 घंटे का है, तो ऑब्वियस सी बात ना बेटा कि वो एक लेक्चर में पूरा पढ़ा देंगे। तो यहाँ पे भी अपन टाइम उतना ही ले रहे हैं, बस क्या होता है यहाँ पे नंबर ऑफ लेक्चर ज्यादा दिखते हैं और वो है उतना ही समय। ठीक है, तो आपको घबराने की कोई उसमें बात नहीं है। ठीक है, चल है ना, चलो ठीक है, वापस आएंगे इधर। तो जल्दी से लास्ट बस चीज आप देख रहे हैं आज का, हाँ MBA सर PG भी देते हैं। थैंक यू बेटा, इधर आओ जल्दी से, चलो ये वाला बस एक लास्ट देख रहे हैं, फिर कल पक्का कल पूरा चैप्टर हो जाएगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेना, इधर आइए जल्दी से। इधर क्या है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन गोल्स। चल आ जाओ। थैंक यू सो मच हर्ष, थैंक यू। पीजी का मतलब होता है क्या, परम ज्ञान। चलो तो क्या है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का, अब समझना बेटा कितना जबरदस्त बात है। जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का एडवांटेज है ना, वो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का क्या है ना, या रादर सॉरी सर उल्टा मैं बोल रहा हूं, एक मिनट, जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के डिसएडवांटेजेस है ना, वो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के एडवांटेजेस है। चेक करना है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव मतलब क्या, कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। इसका एडवांटेज क्या है कि देखो प्रॉफिट कैलकुलेट करना आसान है, सेल्स माइनस एक्सपेंडिचर, लेकिन वेल्थ कैलकुलेट करने में क्या करना पड़ता है, प्रेजेंट वैल्यू निकालो बेनिफिट्स के, कॉस्ट के, भाई साहब बहुत टाइम लगता। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में क्या है, इट इज इजी टू डिटरमिन द लिंक बिटवीन फाइनेंशियल डिसीजन एंड प्रॉफिट। हम आसानी से लिंक करके बता सकते हैं कि देखो तुमने ना, तुम्हारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कम थे इसलिए प्रॉफिट ज्यादा आया, तुमने तुम्हारे परचेसेस का खर्चा कम किया इसलिए प्रॉफिट ज्यादा है। हम ऐसा डायरेक्ट लिंक कर सकते हैं प्रॉफिट्स को। लेकिन अगर मुझे बताओ कंपनी का मार्केट प्राइस पर शेयर इंक्रीज हुआ, अब ये आप कैसे बताओगे कि क्यों हुआ, ये बता सकते हैं आप डायरेक्ट कैसा एग्जैक्ट कि कौन से रीजन से प्राइस बढ़ रहा है। मतलब कि प्रॉफिट्स को हम डायरेक्टली किसी एक चीज से लिंक करके देख सकते हैं कि प्रॉफिट क्यों बढ़ा, ये रीजन होगा। लेकिन मार्केट प्राइस जब बढ़ता है हम एग्जैक्ट रीजन नहीं बता सकते, क्योंकि मल्टीपल फैक्टर्स के वजह से मार्केट प्राइस बढ़ता है। ये फील आए कि नहीं बताइए, है ना। चल तो क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पे कि क्या एडवांटेज क्या है बताओ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का, कि इट इज क्या इजी टू कैलकुलेट एंड क्या इजी टू डिटरमिन द लिंक। नेक्स्ट इसका डिसएडवांटेज क्या है, इट एम्फसाइजेस ऑन शॉर्ट टर्म गेन्स, हम फ्यूचर के कैश फ्लोज लेते ही नहीं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में। इट इग्नोर्स रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, हम रिस्क अनसर्टेनिटी को इग्नोर करते हैं, टाइमिंग और रिटर्न को इग्नोर करते हैं। एंड इट रिक्वायर्स इमीडिएट रिसोर्सेज, है ना, प्रॉफिट ज्यादा कमाने में अभी के अभी तुमको रिसोर्सेज चाहिए तो ही प्रॉफिट ज्यादा कमाओगे। वेल्थ में क्या होता है कि चलो हम फ्यूचर में भी धीरे धीरे मशीनरीज को ऐड करके फ्यूचर में भी वेल्थ धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं, पर प्रॉफिट के लिए इमीडिएट रिसोर्सेज चाहिए। वैल्यू मैक्सिमाइजेशन का मतलब क्या है कि हमारी कंपनी का हाईएस्ट मार्केट वैल्यू कैसे अचीव हो सकता है। इसका एडवांटेज है कि हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म गेन्स पे फोकस करते हैं,
हम यहाँ पर रिस्क अनसर्टेनिटी को कंसिडर करते हैं डिसीजंस में, है ना। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, फ्यूचर कैश फ्लोज को कंसिडर करेंगे, टाइमिंग ऑफ रिटर्न्स को कंसिडर करेंगे, एंड शेयर होल्डर्स के रिटर्न को भी कंसिडर करते हैं। शेयर होल्डर के एक्सपेक्टेशंस को हम कंसिडर करते हैं, राइट। कहाँ? शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। नेक्स्ट, बट यहाँ पे देर इज नो क्लियर रिलेशनशिप बिटवीन फाइनेंशियल डिसीजंस एंड शेयर प्राइस। शेयर प्राइस बढ़ी तो कौन से डिसीजन के वजह से बढ़ी ये नहीं बता सकते, एंड इट कैन लीड टू मैनेजमेंट एंग्जायटी एंड फ्रस्ट्रेशंस। बहुत बार बेटा क्या होता है, एकदम से मार्केट प्राइस गिर जाती है, जैसे अभी जोमैटो पेटीएम में हो रहा है। जितने रुपए में लिस्टिंग हुई थी शेयर की, अभी देखो कितना ज्यादा कम शेयर प्राइस हो गया है। तो बहुत बार समझ भी नहीं आता, अरे ऐसा हो क्यों रहा, समझ भी नहीं आ रहा अपने को कि क्या चल रहा है। तो मैनेजमेंट के फ्रस्ट्रेशंस एंग्जायटीज बहुत बढ़ जाती है, ठीक है। एक बार कैसे क्विकली रिवाइज करें इस चीज को, जल्दी से वापस से देखो। देखो वापस से क्या मैंने बोला कि इट इज इजी टू कैलकुलेट प्रॉफिट्स एंड इजी टू डिटरमिन द लिंक। ये एडवांटेज किसका है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का। अब शेयर होल्डर्स वेल्थ का देखो डिसएडवांटेज, यहाँ पे हम लिंकिंग नहीं कर सकते और इट कैन लीड टू मैनेजमेंट एंग्जायटी फ्रस्ट्रेशन। देन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का डिसएडवांटेज देखो कि शॉर्ट टर्म गेन पे फोकस करता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, रिस्क अनसर्टेनिटी को इग्नोर करता है, एंड टाइमिंग ऑफ रिटर्न्स को इग्नोर करेगा, इमीडिएट रिसोर्सेज इसको लगते हैं। और इसका देखो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का एडवांटेज, ये लॉन्ग टर्म गेन्स पे फोकस करता है, कि ये रिस्क अनसर्टेनिटी को कंसिडर करता है, टाइमिंग ऑफ रिटर्न को कंसिडर करता है, एंड शेयर होल्डर रिटर्न को भी कंसिडर करता है। ये क्या है बेटा? शेयर होल्डर रिटर्न एक्सपेक्टेड। आपको याद आ रहा है मैंने आपको चैप्टर 7 की बात बताई थी, कि हम चैप्टर 7 में जब किसी एसेट का प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं तो जिस रेट पे निकालते हैं वो होता है WACC। WACC मतलब क्या? योर एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टर्स। तो हम प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए शेयर होल्डर्स के एक्सपेक्टेड रिटर्न को कंसिडर करते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में, ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। तो यहां पे हम जो है आज के सेशन को खत्म करते हैं। आई होप कि आपको मजा आएगा। अगर मुझे आधा घंटा और आज मिलता तो हम कर देते खत्म, लेकिन मेरी खुद की बेटा 7 बजे की क्लास है CA फाउंडेशन में, इसलिए आज थोड़ा सा मैं माफ करें। कल इसे हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली हम इसे कंप्लीट तो कर ही देंगे, कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू अगेन। इस मिशन सक्सेस है लक्ष्य बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बीच में बच्चा पूछ रहा था सर आपके नोट्स चाहिए हम क्या करें, तो इन बैचेस को ज्वाइन करो, अनअकैडमी प्लस या आइकॉन का सब्सक्रिप्शन लीजिए, एमबी सर कोड को यूज कीजिए। अगर आपको मुझसे बढ़ के अच्छा लगता है तो एमबी सर कोड को यूज करें, तो आपको सब्सक्रिप्शन जो बच्चे लेते हैं उनको हमारे नोट्स मिलते हैं, ठीक है। तो वहीं पे शेयर होते हैं क्लासेस के अंदर। सो प्लस आइकॉनिक आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं आपकी मर्जी से। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू अगेन। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें बेटा चैनल को, ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंचाइए यार, कि एमबी सर जो है FM EFM भी पढ़ा रहे जबरदस्त वे में, तो ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ सके। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू अगेन। अपना ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, क्योंकि हम हमारे पेरेंट्स के बिना कुछ भी नहीं है। कमेंट करके बताना बेटा कैसा लगता है, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गुड।